केरांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं रानी मिश्रा, केरांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। झारखंड में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, ये आप सभी जानते हैं, और ऐसे में जो जनता है वो भी बहुत स्मार्ट हो चुकी है। उन्हें भी पता है क्या कि वोट किसे करना है, और यही सब जानते हुए जो प्रत्याशी हैं वो भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। हमारी टीम विभिन्न क्षेत्रों में जा रही है आप तक सही सटीक खबर पहुंचाने के लिए। आज हमारी टीम पहुंची हुई थी विभिन्न पंचायतों में, उन्होंने वहां पर प्रत्याशियों से बात की, क्या कुछ देखा आप भी देखिए इस रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केरांचल टाइम्स, मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरामैन अजय आर्यन। आज हम जिस जगह पर पहुंचे वो जिला गोड्डा अंतर्गत प्रखंड ठाकुरगंगटी के अमरपुर पंचायत में। यहां पर हम जानेंगे कि आखिरकार किस प्रकार का मुखिया चाहिए, कौन सा मुखिया चाहिए, विकास करने वाला या फिर पंचायत का विनाश करने वाला। ऐसे कई सवाल होंगे जनता से, और जनता ही देगी इसकी जवाब भी कि किस प्रकार का मुखिया इस बार ये लोग चाह रहे हैं, परिवर्तन या फिर जो हैं वही बने रहेंगे। इस प्रकार के कई सवाल होंगे जिसका जवाब हम जनता से ही स्वयं खोजेंगे कि आखिरकार वो किनको इस बार मुखिया के रूप में देखना चाहते हैं। आइए बात करते हैं हम यहाँ के जनता से, और जनता का ही हम लेंगे राय और जनता ही देंगे इसके पूर्ण जवाब कि आखिरकार 5 वर्षों में विगत क्या और किस प्रकार का यहाँ पर प्रगति का रूप रहा है, किस प्रकार से यहाँ पर सरजमीन पर जो है सरकार की योजनाएँ पहुँच पाई है। इन सारे सवालों का जवाब हम जनता से स्वयं ढूंढने का प्रयास करेंगे। आइए मिलते हैं जनता से। क्या शुभ नाम है सर आपका? पप्पू चौबे। ये कौन सा पंचायत है? अमरपुर पंचायत ठाकुर। कितने यहाँ पर वार्ड हैं अभी? 13। यहाँ पर क्या क्या अभी वर्तमान में काम हुआ है? वर्तमान में सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही थी उसको सरजमीं पर उतारने का प्रयास हमारे वर्तमान मुखिया जी कर रहे हैं। और 78 साल बाद जब चुनाव हुआ झारखंड में, तो पहली बार ये 1 वोट से जीते हैं, उसके बाद लगातार दूसरी बार भी जीते, और सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो यहाँ चल रही हैं, और आवास का काम हो, वृद्धा पेंशन का काम हो, और हमारा पंचायत जो है प्रथम वर्ष मतलब प्रथम कार्यकाल में इनका आदर्श पंचायत घोषित किया गया था। सबसे पहला जिला में ODF होने वाला पंचायत हमारा ही पंचायत। तो आप लोग इस बार इन्हीं को बनाए रखेंगे एकदम पूर्णतः। क्या शुभ नाम है सर आपका? देखसूर माथुर। आप लोग किस प्रकार का इस बार यहाँ पर मुखिया के रूप में देखना चाह रहे हैं? इसलिए देखने चाह रहे हैं, इन्होंने जो विकास किया है, पूरे गरीब हो या अमीर हो, या मुस्लिम भाई हो या हिंदू हो, सबका इन्होंने विकास किया है। और अब की बार भी इन्होंने जो जनता का जो सेवा की है, निश्चित रूप से मुखिया बनेंगे, वर्तमान में ही बने रहेंगे। चलिए, क्या शुभ नाम है आपका? वासुकी नारायण। इस बार कैसा चाहते हैं मुखिया जी? जो वर्तमान मुखिया थे उन्हीं के सपोर्ट में हम लोग हैं 100%। ऐसा तो नहीं है कि मुखिया जी को जो है कैमरा देख करके आप बोल रहे हैं पैसा दिया नहीं ना है? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात ऐसा नहीं, नहीं। चलिए, ऐसा नहीं कैमरा के सामने में बोल रहे फिर बाद में। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मुखिया जी का ही सपोर्ट, मुखिया जी का ही काम, ये विकास अच्छा किया है मुखिया जी हैं जी। और हमारी पंचायत में जो विकास का काम हुआ है, गंगटी प्रखंड में शायद कहीं हुआ होगा, ये पूरा जिला में एक इतिहास बना है। क्या इस बार आप चाह रहे पंचायत? वही चाहिए कि हमारे गांव का विकास हो रहा है, पंचायत का वर्तमान में जो है वही रहेगा, विकास हो रहा है, विकास हो रहा है, जो छोटा बड़ा है वो भी हो जाएगा 90%। क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन महतो। आप लोग किस प्रकार का चाह रहे इस बार वर्तमान में मुखिया? विकास, विकास के नाम पे मत पड़ेगा। अभी तक जो है विकास हुआ है कि नहीं आपके पंचायत? विकास तो मान के लिए गिना नहीं जा सकता है अमरपुर पंचायत में, गोड्डा जिला के अंतर्गत कोई भी अगर पंचायत है तो वो अमरपुर पंचायत है। विकास तो मान के चलिए अभी हमारे यहाँ पंचायत अमरपुर पंचायत में 895 आवास आवंटित है, वो बन भी गया, थोड़ा 100 जो भी बाकी है वो रनिंग पीरियड पे है। ऐसा तो नहीं है कि मुखिया जी नोट और वोट का कहानी भी रखते हैं प्रधानमंत्री आवास में? यही चीज तो नहीं हो रहा है यहाँ, विकास है, विकास के नाम पे उसको मत दे रहा है, जो भी मने कि ये सब सिस्टम जो है कि नोट के ऊपर वोट रहे या अमरपुर पंचायत में महिलाएं बोली। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नाहिरुद्दीन अंसारी। चलिए, किस प्रकार का मुखिया चाह रहे इस बार पंचायत? कुछ ने बस वर्तमान में क्या क्या विकास हुआ है कुछ बताइए। सरकारी योजना है, योजना चल रही है,
सड़क नाले वगैरह की क्या स्थिति है, जल मीनार की क्या स्थिति है? जल मीनार तो अभी चालू है सर, सामने आपको दिखाई देगा सामने। नौ जल मीनार बना हुआ है पंचायत में है। क्या नाम है आपका? परमिला देवी। कैसा मुखिया चाह रही हैं? यही मुखिया चाह रही है, बहुत चीज का आया फिर के यही मुखिया। मतलब कौन मुखिया? नाम है अशोक कुमार। चलिए, क्या नाम है आपका? संध्या देवी। कैसा चाह रही है मुखिया इस बार? मेरा सब मुखिया काय पैसा से दिए हैं क्या? नहीं, पैसा देते, पैसा देके घर देते, घर देते। चलिए, क्या नाम है आपका? पिंकी देवी। जिले प्रधानमंत्री आवास वगैरह मिला है आपको? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? आगू कुछ हो रहा है, हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। चलिए, आपको आपकी तुम्हारी जी, आपको प्रधानमंत्री आवास मिला है? नहीं मिला है, अपनी साल की शादी हुआ। अच्छा। नमस्कार, हमारी बातचीत हो रही थी अमरपुर पंचायत के जनता से, जहाँ पर कि इन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि विगत 10 वर्षों में जो काम हुआ है और ठाकुर गंगटी प्रखंड के अंतर्गत जो अमरपुर पंचायत है वो एक सर्वप्रथम यहाँ पर आदर्श पंचायत के रूप में उभर के आया है। और यहाँ जनता ने खुद कहा है कि यहाँ पर मुखिया जी को इसके लिए सम्मानित भी किया गया है और ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है इस पंचायत का। अरे ठीक है भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तो इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।